ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं K2 यानी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पीक है उसके हवाले से हम आपको बताएं कि जो ताजा तरीन खबरें आ रही हैं कि पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान का एक मुकम्मल एक्सपीडिशन K2 को सर करने के लिए गया है। कोह पैमाई के हवाले से ही हम गुफ्तगू आगाज करते हैं आज प्रोग्राम में, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कंसल्टेंट हैं कम्युनिकेशन के EKCNR के मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया और इस पे K2 एक्सपीडिशन पे बात करने के हवाले से। अच्छा मुनीर साहब मुझे ये बताइएगा इस एक्सपीडिशन के हवाले से कि ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर जो एक्सपीडिशन है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि जब भी सर करने की बात होती थी तो किसी फॉरेन डेलीगेशन के साथ या फॉरेन कोपैमाओं के साथ ज्यादा जाते थे। जी बिल्कुल सही बात है, ये पहली दफा पाकिस्तान की ऐसी एक्सपेडिशन है जो K2 सर करने गई है जिसमें सारे जो माउंटेनियर्स हैं कोपैमा जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। पहले हमेशा से ऐसा हुआ है कि एक या दो लोग या जाते थे या कुछ पोर्टर्स जाते थे गैर मुल्की कोपैमाओं के साथ, और ये पहली दफा ऐसा है। और थैंक्स टू एवरेस्ट K2CNR जो इटालियन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इटालियन की जो मोहब्बत है कराक्रम के साथ और K2 के साथ ये कोई 100 साल से ज्यादा की है, और शायद इतनी मोहब्बत हमने भी नहीं की K2 के साथ कि जितनी उन्होंने की। और 1909 से जब उनका पहला जो उनका इटालियन प्रिंस था वो आया, और उसके बाद फिर उनका रिसर्चर जो है 1913 में, और फिर इटालियन एक्सपेडिशन ने ही पहली दफा 1954 में K2 को सर किया था। तो अब इटालियंस ही इसकी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। एक्सपेडिशन के हवाले से बताइएगा मुझे साहब के बेस कैंप कायम किया कब कायम किया? ये 14 जून को 14 जून कितने लोग वहां जी 8 पाकिस्तानी हैं जो इसमें गए हैं, और इसमें जो टीम लीडर हैं मोहम्मद तकी उनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है, और उसके बाद जो क्लाइंबिंग लीडर हैं हसन जान उनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है, और जो 8 के 8 लोग हैं वो सारे गिलगित बल्तिस्तान से ही उनका ताल्लुक है। और ये ज्यादातर क्या इन्होंने जितनी भी बाकी एक्सपेडिशंस में पिछले सालों में हिस्सा लिया वहां पे एज ए पोर्टर हिस्सा लिया। पिछले साल इनकी जब मुलाकात हुई एवरेस्ट K2CNR के प्रेसिडेंट अगस्टिनो द प्लंजा से, तो वहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हम K2 को एज ए कोपैमा जो है ना एज ए माउंटेनियर सर करना चाहते हैं। अच्छा, तो हमें इसमें सपोर्ट अच्छा, किया जाए। सब हम देखते हैं कि पोर्टर्स हमेशा से फैसिलिटेट करते हैं जितने भी कोपैमा जाते हैं। जी, तो जी एक पोर्टर को कोपैमा बनते हुए कितना वक्त दरकार होता है और क्या चीजें रिक्वायर होती हैं इसमें? बुनियादी तौर पर तो इस काफी वक्त लग जाता है पोर्टर को। जब आप लेते हैं तो बहुत रॉ होता है, कुछ वो पोर्टर्स होते हैं जिनको आप नीचे से लेके तो बेस कैंप तक चले जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो आगे पहाड़ चढ़ सकते हैं। ठीक है, जाहिर है कि इसके लिए आपको जो माउंटेनियरिंग की स्किल्स हैं वो आना जरूरी है कि कैसे वहां पर आप, एक तो ये है कि एक्लिमेटाइज खुद को करना है उसके मौसम के हिसाब से, फिर वो जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहां पर रोप कैसे आपने फिक्स करनी है, और उसके फिर रोप के जरिए से आपने दूसरे लोगों को ऐसे फैसिलिटेट करना, तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त कुछ साल जरूर लगते हैं एक रॉ पोर्टर को एक स्किल्ड पोर्टर बनने तक। फिर माउंटेनियरिंग में जाहिर है कि अब K2 के 4 कैंप्स हैं, बेस कैंप, एडवांस बेस कैंप, उसके बाद फिर 4 आते हैं कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, फिर समिट आती है। ठीक है, तो मतलब पहले 3 कैंप तो कहते हैं कि आसान है, तो बाज लोग हैं वहां तक चले जाते हैं, लेकिन चौथे कैंप तक जाना, तीसरे से चौथे कैंप फिर समिट तक जाना वो जरा दुश्वार गुजार है। अच्छा, साहब ये बताएगा कि अब कहां पर है इस वक्त जो एक्सपेडिशन? इस वक्त कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान वो अपने रिशफल हो रहे हैं, खुद को एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो है उन्होंने अपना कुछ जो टेंट्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा तेज हवाओं के बावजूद और बर्फबारी के बावजूद उन्होंने अपने जो टेंट्स हैं हमारी एक्सपेडिशन है वो कैंप 2 तक पहुंचाए हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जब वो एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, आपको पता है एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो वहां पर जाहिर है कि सर्वाइव करना और इवन माउंटेनियर्स के लिए। आपने बाकी मुनीर साहब खाने पीने का क्या तरीकाकार होता है जो सप्लाई होती है वो बेस कैंप 1 से जाती है? वो जाहिर के साथ का साथ अपना उनका फूड का सिलसिला जो है वो आगे पहुंचता रहता है। जाहिर है कि वो यहाँ से लेके जाते हैं। अब जो इतला आई थी कि कैंप 1 में इतना गार्बेज पड़ा हुआ है उसके लिए आपको 2-3 हफ्ते उस गार्बेज को क्लीन करने के लिए चाहिए,
जब वो कैंप वन में पहुंची, पहली पाकिस्तानी एक्सपीडिशन थी जो इस सीजन में वहां पर कैंप वन पर गई, तो वहां पर जाहिर है कि पूरा एक जगह होती है जहां पे, तो वहां पे गार्बेज इतना ज्यादा है। तो हम ना सिर्फ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पाकिस्तानी वहां पे गए हैं, बल्कि कुछ पाकिस्तानी और इटालियन केटू क्लीन एक्सपीडिशन पे भी जा रहे हैं। अच्छा। जो वहां से टनों के हिसाब से जो गार्बेज कैंप वन टू थ्री ऊपर पड़ा हुआ है उसको लेके आए, और बहुत कुछ होता है जाहिर है कि वहां पे वो रहते हैं और अपने उनके वहां पे जो फूड की वेस्टेज होती है और दूसरी जो वेस्टेज जाहिर है वहां पे जब आप मुकम्मल तौर पे रह रहे होते हैं तो रफाया हाजत और ये सारी आप एक्टिविटीज वहीं पे कर रहे होते हैं, तो बचा हुआ वो तो वो सारा वहां से फिर आमतौर पर लोग उठा के नहीं लाते, लेकिन हम वहां पे ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि जो लोग ऊपर जा रहे हूँ वो कम से कम अपना लेकर आए। लेकिन फिर भी हमने देखा है पिछले सालों में कि लोगों ने कभी अपनी जो वेस्ट है उसको मैनेज नहीं किया। हम पिछले चार साल से केटू क्लीन की भी साथ चलाते हैं। अच्छा मनीर साहब, अब ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर किस हद तक सरपरस्ती हासिल है ट्रैकिंग को आम करने के हवाले से, को फैमाई को आम और फैसिलिटेट करने के हवाले से बताइएगा। बात यह है कि जिस तरह बहुत सारे खेल जो है ना पाकिस्तान में वो कोई इतनी उनके ऊपर तवज्जो नहीं है। माउंटेनियरिंग एक ऐसा है कि जो रिसोर्स इंटेंसिव है जिसमें बहुत सारे पैसे भी चाहिए होते हैं, बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। अब जब हम हॉकी की सूरत हाल देखते हैं तो वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि हमारा कौमी खेल है। तो जो इतने दूर दराज इलाकों में जाके माउंटेनियरिंग करना या ट्रैकिंग करना, लेकिन इस पर हुकूमत को थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ पर गैर मुल्की आते हैं आपका ज़र मुबादला आता है, और अगर आप वहाँ पर फैसिलिटीज़ वहाँ पर सहूलतें बेहतर कर दें और वहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम, जैसे यहाँ पे के गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मखदूश नहीं है वहाँ पर। लेकिन मनीर साहब, जो हमने देखा कि दो बरस पहले जो वाकया हुआ नांगा पर्वत वाला, उसके बाद अब देख रहे हैं कि दोबारा से लोग जो फॉरनर्स हैं, जो कोपेमा हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान, ये कितना खुशाइंद है। ये बहुत अच्छी बात है। अब आप ये देखें कि अभी जो मालूम हुआ है कि कुछ 5-6 एक्सपीडिशंस जो हैं जो ओवर इनका बनता है, जो 90 से ज़्यादा लोग जो हैं ठीक है वो सिर्फ केटू एक्सपीडिशन के लिए जा चुके हैं। अच्छा। और हमने मार्च में किया था क्राकरम फेस्टिवल लाहौर में, उनको बताने के लिए कि हमारे पास जो केटू है और जो क्राकरम का एरिया है वहाँ पे ट्रैकिंग की और एडवेंचर टूरिज्म की, माउंटेनियरिंग की, और वैसे वहाँ पे कितनी झीलें हैं, क्या है, इन सारे के बारे में। और अब पंजाब में से खुशाइन बात यह है कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है लाहौर और पंजाब के इलाकों से वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस तरफ। और पिछले दिनों जब वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो बताया गया कि वहाँ पर एक हफ्ते में 400-500 लोग जो हैं वो पंजाब से आ रहे हैं। सही। तो अगर हुकूमत भी इसमें साथ दे, क्योंकि जो गैर सरकारी तंजीमें हैं ना वो बहुत कम काम उनका होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हुकूमतें बड़े काम करती हैं। तो अगर ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करें ना हम, तो फिर भी जो हमारे, अच्छा आपने ये बात सही की कि पंजाब से भी बहुत बहुत से लोग आ रहे हैं, जो असल में जो एक्सपीडिशंस पर जाते रहे हैं वो हमने पहले देखा कि ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे जिन्होंने अभी पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। मैं तस्करा करना चाह रहा हूँ समीना बेग और उनके भाई का। तो अब पंजाब से भी लोग जा रहे हैं, पंजाब से भी लोग ट्रैकिंग की तरफ रागब हो रहे हैं, रागब हो रहे हैं, और ज्यादातर नौजवान लोग हैं। लेकिन उसमें एक जो छोटी सी बात है कि नौजवानों को ये मालूम नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो टी शर्ट में आम से जूते पहन के बिल्कुल ऐसे है कि जैसे शायद साहिल समंदर पे जा रहे हैं या रावल लेक के ऊपर जा रहे हैं। ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इतना आसान ट्रैक नहीं है वहाँ पे जाना। अभी पिछले दिनों हमने वो सुना कि वो एक नौजवान जो है वो गोंदगुरोला जो हमारा जो ट्रैक है उसके ऊपर वो फिसल भी गया और उसकी जान चली गई। चाहते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं जो ट्रैकिंग करते हैं, जो एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड हैं और अच्छे नाम हैं, उनके साथ मिलके एटलीस्ट वो आपको गाइड तो करें, वो आपको बताएंगे कि आपको जूते किस तरह के चाहिए, आपको साथ में वहां पे फूड का क्या हिसाब होगा, वहां पे तो फूड नहीं मिलेगी ना उस तरह से। सही। जब आप इस ट्रैक पे जाते हैं मुनीर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो केटू का पाकिस्तान का एक्सपीडिशन है वो कामयाबी से लौटे और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये एक्सपीडिशन जो है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि जो पाकिस्तान का पहला K2 का एक्सपेडिशन है वो रवाना हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक वो कामयाबी से वापस लौट जाएगा। दीगर भी हमने ट्रैकिंग के हवाले से, कोप एमआई के हवाले से उनसे सवाल किए और जवाब उनसे हासिल किए। प्रोग्राम में आगे